हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो हमारा प्रोफेशनल चैनल है, मेन चैनल है सोना मेकओवर, उससे मैं लाइक बन उस पे हमारा जो मेकअप कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, प्रो मेकअप कोर्स, यानी कि प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो वो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बोर्ड पे हर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो एडवांस मेकअप सीखने में, प्रोफेशनल मेकअप सीखने में, तो पहले उसके लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। एंड जो उसके नोट्स होते हैं, स्किन का कॉन्सेप्ट होता है, स्किन कलर टोन होता है, ठीक है, फेस शेप होते हैं, तो ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। बस उसके लिए आपको मेरा जो मेन चैनल है सोना मेकओवर, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आज से कंटिन्यू क्लासेस आएंगी, तो उसके लिए आज जो है मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। आज सोना की भी छुट्टी है, तो आज हमने सोचा कि हम बहुत सारी वीडियोस आज ही शूट करके रख देंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता। एंड एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन करके समझानी होती है, बतानी होती है। तो फटाफट जाइए, जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए, हम तब तक सेटअप वगैरह लगाते हैं एंड मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं आपको आगे, कंटिन्यू दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं अपने बाल ड्राई कर रही हूँ ड्रायर से। एंड रेडी होने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस लिपस्टिक के शेड वगैरह चेंज कर लेती हूँ। एंड बाल ड्राई हो रहे हैं यहाँ पे, देन मैंने एक पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया है, बिकॉज मेरा जो ड्रेस है पिंक था, तो मुझे पिंक लिपस्टिक मेरे पे काफ़ी सूट होती है एंड मुझे लगती भी काफ़ी अच्छी है। तो देख सकते हो, आज मैंने हल्का सा काजल लगाया है। मोस्टली ना मैं लगाती नहीं हूँ, अपना पार्लर होने के बावजूद भी नहीं लगा पाती। तो देखिए, अब मैं चेंज कर चुकी हूँ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड तो स्टार्ट करते हैं हम आज का शूट। और आज मांग लगाना भूल गई, वही तो मैं कह रही, क्या खाली खाली लग रहा है, क्या सिंदूर लगाना भूल गई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। अभी हम, मैं जिस ट्रेनिंग हो रही थी, तो अभी बीच में क्लाइंट आ जाते हैं, इस वजह से हमने आज का जो सेटअप है वो अंदर लगाया। और अंदर आप देख रहे हो कैसे ये जुगाड़ तुगाड़ करके करना पड़ रहा है मेरे को, बिकॉज इसको फिक्स करने का है नहीं। पर देखिए, कुर्ती पता क्या, मैं इसको प्रेस करना भूल गई, जैसे मंगवाई थी वैसे ही पहन लिया। बट अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगी तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, बहुत अच्छी कुर्ती है एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैंने ये मंगवाई है। तो चलिए हेयर कट करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। अब देखो, स्विच फिक्सिंग हेयर स्टाइल, स्विच फिक्सिंग हेयर स्टाइल, खुले हेयर वाली हेयर स्टाइल, खुले हेयर वाली हेयर। गाइज, पार्लर की लाइफ ऐसी होती है कि एक काम के साथ साथ ना हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ क्लिप्स मेरी वीडियो शूट की है, जो कि मैं अपने मेकअप क्लास के लिए बना रही हूँ। फिर बीच में मेरे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो उनको भी क्लास देनी पड़ती है। फिर बीच बीच में क्लाइंट आ जाते हैं, तो उनको भी अटेंड करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल तो नहीं होता, बट क्या करें, काम है तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इनको क्रिम्पिंग का जो है सिमेट्री वो है वो बता रही थी क्रिम्पिंग की। तो स्टूडेंट्स को ना, जो लोग बिगनर्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। एंड मेरे मेन चैनल पे काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं बिगनर्स के लिए। तो मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो पार्लर से रिलेटेड होते हैं, एंड पार्लर की जो लाइफ होती है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ कि किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। एक 5 या 6 मिनट की जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, क्या कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। बट उस वीडियो शूट को करने के मतलब जो एक प्रोसेस होता है ना, कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड क्लाइंट अटेंड करने पड़ते हैं बीच में, ठीक है। अभी आपने देखा, जब मैं रेडी हो रही थी तो बीच में एक हेयर कट का क्लाइंट आ गया था, बेबी आई थी एक छोटी सी, मैं उसको शूट नहीं कर पाई, बिकॉज हर जगह कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता मुझे।
तो फिर उसके बाद मेरे एक वीडियो मैंने शूट किया क्लास के लिए, तब तक स्टूडेंट आ गए थे, फिर उनकी क्लास की टाइमिंग हो गई थी तो फिर उनको मैं क्लास देने लग गई। फिर जब ये इनकी छुट्टी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं वापस से, देखो अब मैं सेकंड वीडियो के लिए रेडी हो रही हूँ, तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, थोड़ा सा मेकअप चेंज कर रही हूँ, बिकॉज मैंने सोचा कि एक दिन में मैं 2-3 वीडियो बना लेती हूँ, क्या पता कल मुझे टाइम लगे या ना लगे वीडियो शूट करने का। तो अब जब क्लासेस स्टार्ट की है तो फिर उसमें लगातार वीडियो भी देनी बहुत ज़रूरी है। एंड नए पार्लर का काम आप लोगों ने देखा ही होगा, तो कुछ दिनों बाद दिखाऊंगी मैं जब कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, आप लोग व्लॉग को बहुत सपोर्ट करते हो तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आप भी मेकअप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी